तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं प्रजारंजन के कार्यों की, प्रजारंजन के लिए शासक को क्या क्या कार्य करने चाहिए, और उनमें से हमने दो कार्य अभी कंप्लीट कर लिए थे, एक तो लोक कल्याण और दूसरा हमने कहा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो जाएगी और उसमें किसी तरह की अगर कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारे पास इसका तीसरा जो कारण है या आधार है वो है न्याय व्यवस्था। देखिए स्वाभाविक सी बात है, ये एक स्वाभाविक सी बात है कि विवाद उत्पन्न होंगे। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर विवाद उपस्थित नहीं होंगे या सब कुछ स्थायी तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, बड़े बड़े विवाद हो सकते हैं, तो ऐसे विषय में या ऐसे समय में राजा सभी जगह उपस्थित नहीं होगा या राजा के माध्यम से ही न्याय किया जाए ये भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजा के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ताकि वह न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके या प्रजा के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उन विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जा सके, या जो अपराधी है व्यक्ति उस अपराधी व्यक्ति के मन में या उसको उसके अपराध के प्रति दंड देकर उसे निष्पाप बनाने का प्रयास किया जाए ताकि वह समाज की मुख्य धारा में एक बार फिर से शामिल हो सके। ऐसा कुछ आधार है न्याय व्यवस्था का, इसीलिए न्याय को भी मुख्य आधार माना है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि न्याय नहीं था जब राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो अराजकता या अव्यवस्था या जो अन्याय की स्थिति थी उससे बचने के लिए ही राज्य की स्थापना की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य उस अन्याय या अव्यवस्था या अराजकता की स्थिति को क्या करना, दूर करना था। तो उसमें देखें राज्य की स्थापना कर न्याय व्यवस्था लागू करना था, न्याय व्यवस्था लागू करना एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व था। एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व शासक का माना गया। ठीक है, अब आधार था तो हमने पहले ही बात की कि राज्य की स्थापना से पूर्व, राज्य की स्थापना से पूर्व जो अन्यायपूर्ण स्थिति अराजकता अन्याय और अव्यवस्था की जो स्थिति थी वो क्या कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। आप तब भी तो देखते हैं, आपको इतना महसूस नहीं होता है, जैसे ही किसी सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस कार्यकाल के पूरा होने के बाद चुनाव होने तक वो जो सरकारी अधिकारी जो स्वतंत्रता की फील करते हैं, फीलिंग लेते हैं, उसका अंदाज़ा आप यहाँ लगा सकते हैं कि राज्य का जो भय होता है वो वहाँ पर उन कर्मचारियों पर या सरकार का जो भय होता है या शासक का जो भय होता है वहाँ कुछ समय के लिए वो क्या हो जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। और नई सरकार आने तक वो थोड़ी खुली सांस लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि राज्य की स्थिति से पहले, राज्य के निर्माण होने से पहले वो जो अपराधी हैं, दुराचारी हैं, अन्यायी जो शासक हैं या अन्यायी जो व्यक्ति हैं वे भी इसी प्रकार से प्रजा के शोषण का दायित्व संभाल लेते हैं। आपने देखा होगा कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया धरती को, तो कारण क्या था, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। अब हालांकि इसका सबूत मेरे पास नहीं है, आप मांग नहीं लें, लिखा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो अव्यवस्था होती है
वो स्वतः भी राष्ट्र के या उस शासक के समाप्त होने का मूल कारण बनती है। तो उस मूल कारण को समाप्त करने के लिए क्या स्थापित किया जाना चाहिए? न्याय। न्याय क्या है? देखो, न्याय एक बहुत ही पवित्र धारणा है। न्याय सर्वाधिक पवित्र धारणा है मनु के अनुसार। बहुत पवित्र शब्द है जो बैलेंस करने का काम करती है। दूसरा, सद्गुण की स्थापना और बुराई का प्रतिकार करना। सद्गुणों की स्थापना या सज्जनों के व्यवहार को नियंत्रित और दुर्जनों के व्यवहार को भी नियंत्रित। हम भी स्लोगन पढ़ते हैं, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। ये पढ़ा होगा ना स्लोगन आपने, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। ये स्लोगन अपने आप में बता देता है कि न्याय क्या होता है। ठीक है, ये जो अपराधी हैं वो तो डरे, और जो आमजन हैं उन्हें अपने अच्छे कार्यों के प्रति विश्वास रहे कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और जो ठीक है तो इससे राज्य का भी समर्थन होगा, यानी हमें किसी प्रकार का कोई भय सरकार से या किसी दुराचारी व्यक्ति से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा स्लोगन साधन। सद्गुणों की स्थापना और बुराई का शमन। अब शमन का मतलब अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं शमन का मतलब होता है समाप्त करना। शमन न्याय का मूल आधार है। न्याय का मूल आधार है वही मत्स्य न्याय को समाप्त करना, जो हम पहले भी कर चुके हैं इसलिए बार बार नहीं, लेकिन न्याय जब आया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, मत्स्य न्याय से मुक्ति। ये भी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का ही दायित्व है कि बलवानों से निर्धनों की या दीनहीन की या कमजोर वर्ग की रक्षा करना। एक लाइन में लिख देते हैं हम यहाँ पर, आप मैंने कहा कि पॉलिटिकल लिखने से ज़्यादा समझने की चीज़ है। अब ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं कि एक के बाद एक स्टेप पूरी करते जाएं, लिखते जाएं, समझते जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपके माइंड में कोई चीज़ कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं होगा तो आप उसे बोल भी नहीं सकेंगे। और जिस दिन आप इसके बारे में बोल लेंगे, इस टॉपिक के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, उस दिन समझना कि आपका जो कंसेप्ट था या जो आपके मन में जो जिज्ञासाएँ थी या जो कन्फ्यूजन थे वो क्लियर हो गए। और जब तक आप बोल नहीं सकते किसी व्यक्ति पर 10 मिनट, समझ नहीं सकते, समझने के बाद ही बोलेंगे। लिख तो आपने कुछ भी दिया, आप लिखे हुए को पढ़ें, एक दो बार इनको पढ़ें, इनका विश्लेषण करें। आप नया विचार भी लिख सकते हैं लेकिन इनके विश्लेषण के आधार पर इससे मैच होना चाहिए मनु की विचारधारा से। शुक्र कौटिल्य जो हैं इनकी विचारधारा अलग है, थोड़ी डिफरेंस है, समानता है, वो हम चर्चा करेंगे जब सेकेंड जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि मनु ने ऐसा कहा था। जब शुक्र को पढ़ेंगे तो मैं कहूँगा मनु और कौटिल्य ने ऐसा कहा था और शुक्र ऐसा कह रहे हैं, तो इनमें संबंध स्थापित होगा। वो संबंध आपकी कान के पर्दे खोल देगा, दिमाग के पर्दे खोल देगा। ये भी आपके पर्दे खोलने के लिए लिखे जा रहे हैं, लेकिन लिखने से बेटर आप इसको समझें और फिर उतारें अपने दिमाग में। तो न्याय क्या है? अन्याय को दूर करें। जहाँ अन्याय नहीं है वहाँ न्याय ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ शोषण नहीं वहाँ समृद्धि होती हो, जहाँ सत्य नहीं वो असत्य हो। कई बार संदेह की भी चीज़ होती है, उस संदेह को भी दूर करता है न्याय कि वास्तव में वहाँ पर अन्याय है या नहीं है, स्पष्ट करता है। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दोषी और निर्दोष का फर्क भी न्याय व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता है। बलवानों से के भय से कमजोर या निर्धनों को या जो दीन हैं, दीनहीन हैं, दीनहीन को सुरक्षा देना। ये भी हमारे लिए इसके अंतर्गत शामिल है न्याय में। और मैंने बताया आपको कि यहां जब अंतिम न्यायाधीश कौन है, अंतिम न्यायाधीश किसको माना गया है राजतंत्र में? राजा को। अंतिम न्यायाधीश कौन है? शासक। ठीक है, अतः वो किसकी तरह व्यवहार करें? यम के अनुसार, यम के समान व्यवहार हो शासक का। और किस रूप में? जब वो न्यायाधीश के रूप में बैठा हो। शासक तो वही है लेकिन जब न्याय करेगा तो किसके रूप में? यहाँ। जब समृद्धि बढ़ाएगा तो चंद्रमा बनेगा ये। जब
कर संग्रहण करेगा और कर को लौटाने का कार्य करेगा, तो यही शासक किसके रूप में बैठेगा वहाँ? सूर्य के रूप में। ठीक है, अभी किसके रूप में है? शासक। और शासक के रूप में इसका दायित्व किसके समान है? यम के समान। अंतिम न्यायाधीश भी कौन है? शासक है। कार्य करें, आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके ध्यान में हो तो उसको हम रिवाइज भी कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं। उसका नाम सुना है आपने, स्वामी विक्रमादित्य का नाम सुना है। हम कहते हैं कि जब वो सिंहासन में बैठते थे या उनके सिंहासन से संबंधित एक कहानी है छोटी सी, उस कहानी में क्या है कि एक जगह विक्रमादित्य का सिंहासन गड़ा हुआ था या जीर्णशीर्ण अवस्था में रखा हुआ था। तो जब बच्चे जंगल में खेलने जा रहे थे या खेलने जाते हैं सामान्यतः, जब बकरियाँ वकरियाँ चराने जाते हैं, तो बच्चे खेलते खेलते उस सिंहासन पर बैठता था, वो जो गडरिया था बालक, तो उस सिंहासन पर बैठने के बाद उसको याद आता था, या उसमें कहते हैं कि विक्रमादित्य की आत्मा आ जाती थी। तो वे सब राज दरबार की तरह बैठते थे और वो जो बालक था गडरिया, जो बालक था वो सिंहासन पर बैठता था, और फिर वो जो शेष बालक थे वो दरबारी अपराधी ये भूमिकाओं में रहते थे। और जैसे ही वो बालक आते थे अपराधी के रूप में और कोई घटना या दुर्घटना काल्पनिक जो होती थी उसकी चर्चा करते थे, तो वो जो न्यायाधीश के रूप में जो गडरिया बालक बैठा है जिसको इतनी समझ नहीं है न्याय की, वो इस तरह का न्याय देता था कि जैसे कोई शासक या न्यायाधीश शासक न्यायाधीश के रूप में न्याय देता है, वैसा का वैसा न्याय वो बालक वहाँ पर देता था। तो जो गुजरने वाले जो लोग थे, एक दो बार उन्होंने देखा और वो उस बात से क्या हुए, बहुत इम्प्रेस हुए कि ये बालक बहुत अच्छा न्याय कर रहा है। तो जब वास्तव में उस वहाँ पर खुदाई वगैरह की गई या उसके पीछे के रहस्य को जानने की बात की गई, तो वहाँ ये सामने आया तथ्य कि ये जो सिंहासन है ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन रहा है, और जो अपने ज़माने के बहुत श्रेष्ठ न्यायाधीश भी रहे जब उन्होंने प्रशासन किया और भारत को सब क्षेत्र में आगे पहुँचाने का काम किया, 16 कलाओं में भारत की समृद्धि हुई थी उस समय। तो इतने बड़े जो न्यायाधीश थे, तो न्याय का इतना दायित्व है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि न्यायाधीश या न्याय की जो व्यवस्थाएँ हैं या न्याय के रूप में जो विक्रमादित्य ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, वो प्रतिष्ठा उनकी मृत्यु के बाद भी हजारों वर्षों तक काम बनी रही। आम जन में अगर कहानियों के रूप में भी अगर विक्रमादित्य का न्याय उपस्थित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने न्यायाधीश के रूप में बहुत बेहतर काम किया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में जनता के बीच में उपस्थित था। और आज हम भी जब कभी उन कहानियों को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो विक्रमादित्य एक शासक के तौर पर और एक न्यायाधीश के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब इसमें आगे चले तो अगर ऐसा होगा तो अंतिम रूप से वह राज्य जो न्यायाधीश के रूप में सक्सेस पा रहा है या न्यायाधीश के रूप में शासक अपना अच्छा काम कर रहा है, तो वह राज्य सर्वाधिक रूप से स्थायी रहेगा। न्याय व्यवस्था ऐसी, न्याय व्यवस्था राज्य के स्थायित्व में योगदान देती है। यानी राजा का यह भी दायित्व है कि न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। ठीक है, आगे और चलते हैं हम। अब हमारा अगला है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था आप खुद भी जानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था से क्यों आवश्यक है। देखें हम प्रशासनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं कि राजा भी प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंग है। राजा हो गया, मंत्री मंत्रिपरिषद हो गई, व्यक्तिगत भी और मंत्रिपरिषद के रूप में भी, और जितने भी अधिकारी हैं वे और जितने भी कर्मचारी हैं उनके अधीनस्थ, वे सभी मिलकर राज्य के प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करते हैं। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था अलग और शहरी प्रशासनिक व्यवस्था अलग, लेकिन इनका मुखिया वही मंत्रिपरिषद है और वही राजा है। यानी अंतिम सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी कौन है? शासक, यानी वो राजा।
उसके सहयोग के लिए कौन है? मंत्री और मंत्री परिषद, और उनके सहयोग के लिए कौन है? कर्मचारी और अधिकारी। तो ये सब मिलकर राज्य के प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करते हैं, और इनके माध्यम से ही राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं या राज्य की जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार जनता के मध्य किया जाता है, और जनता की जो भी शिकायतें या आवश्यकताएं हैं या जो भी मांगे हैं वह इसी प्रशासनिक ढांचे या संस्था के द्वारा पूरी की जाती हैं, या अंतिम प्रशासक यानी राजा के पास वो चीज़ें पहुँचती हैं, और राजा उन परिस्थितियों के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त डिसीजन लेता है। अगर देखें आप, पहले तो बात कर लें, प्रशासनिक ढांचे में राजा जो कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, मंत्रिपरिषद और व्यक्तिगत रूप से मंत्री भी, अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। ठीक है, अब आगे इसका क्या कार्य रहता है कि यह जो प्रशासनिक ढांचा है यह सुचारू रूप से कार्य करे, जब सुचारू रूप से कार्य करेगा तो यह जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? शासक की। किसने मानी है? ये ध्यान रखें आप, मनु के अनुसार लिखने हैं आपको कई जगह हैं, जैसे मनु के अनुसार, मनु के अनुसार, मनु के अनुसार, ठीक है। उससे क्या रहेगा कि आपको ध्यान रहेगा कि आपके माइंड में जब आप इन चीज़ों को बार बार लिखेंगे मनु के नाम से तो आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, और जब भी आपके सामने कोई चीज़ आएगी आपको पता है कि किसी चीज़ को आप रिपीट कनेक्शन कर देते हैं उसके साथ, तो जब भी मनु की बात आएगी या मनु का कोई सेंटेंस आप रिवाइज करेंगे तो आपको जो दो और हमारे प्राचीन विचारक आएंगे उनके साथ किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। आप पूरा एड्रेस बोलेंगे, जैसे आप बोलते हैं आपका नाम, जब बोलते हैं तो पूरा नाम बोलेंगे, तो क्लास में अगर कोई और व्यक्ति भी होगा उसी नाम का तो कन्फ्यूजन वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही जब आप इसका नाम लेंगे, मनु के अनुसार ये चीज़, मनु के अनुसार ये, मनु के अनुसार न्याय व्यवस्था इस तरह से, मनु के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से, तो वो जो कन्फ्यूजन आएगा कौटिल्य या शुक्र के समय वो नहीं आएगा। किसकी? क्योंकि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी किसको माना गया है? शासक को। तो ये अंतिम जिम्मेदारी भी किसकी है कि प्रशासन अच्छे से काम करे? शासक की। और प्रशासन में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन या अवकाश या जो छुट्टियां हैं, अवकाश और स्वास्थ्य का ध्यान रखें पहली बार, ठीक है। प्रशासनिक ढांचे की क्या जिम्मेदारी है? कि राजा के विचारों और व्यवस्थाओं का, सुविचारों का, विचारों को, विचारों और योजनाओं को प्रजा तक पहुंचाए। क्या करें? प्रजा तक सीधा कनेक्शन बनाए। राजा की जो इमेज निर्माण का काम करते हैं, राजा की अगर इमेज बनानी है और अगर गिरानी है तो ये जो प्रशासनिक ढांचा है ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसमें मैं जो बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो मनु हैं उन्होंने सृष्टि का जो निर्माण किया तो उन्होंने खुद ने एक अच्छे प्रशासक की भूमिका के रूप में कार्य करते हुए सभी के कार्यों का डिवाइडेशन किया, उसका वितरण किया, पहले तो वर्गीकरण किया अलग अलग कार्यों को कौन कौन किस तरीके से करेगा, फिर उस व्यक्ति तक उस कार्य को पहुंचाया, और यही उनकी सफलता का आधार भी बना कि वे एक अच्छे शासक के रूप में आगे वर्णित किए जाते रहे। आगे चलें, प्रजा तक पहुँचाए, क्यों? क्योंकि राजा स्वयं सभी जगह नहीं उपलब्ध हो सकता, राजा स्वयं प्रजा तक व्यक्तिशः नहीं पहुंच सकता,
तो कौन पहुंचता है उसकी जगह? प्रजा से कर लें, व्यक्ति से नहीं मिल सकता। आप मेरी बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर अभी चाहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या वो सभी व्यक्तियों से मिल सकते हैं? क्या क्या नरेंद्र मोदी सभी व्यक्तियों से एक एक करके मिल सकते हैं? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है? आज तो फिर भी टेक्नोलॉजी है, तो वो आप स्क्रीन पर या मोबाइल फ़ोन से या व्हाट्सएप या मन की बात के आधार पर आप उनसे मैच कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वन वे ट्रैफिक चलता है वहाँ, तो मन की बात में या किसी फ़ोन के माध्यम से दोनों टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये राजा है वो प्रजा, मैंने कहा जैसे गुप्तचर के रूप में राजा सभी जगह उपस्थित होता है, वहाँ के हर व्यवस्था को, हलचल को जानने का काम करता है, ऐसे ही राजा उन प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में हर ग्राम, हर शहर, हर व्यक्ति के घर तक पहुंच रखता है। इसलिए इन प्रशासनिक ढांचे को या इन प्रशासनिक अधिकारियों को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण देकर या भली प्रकार से उनके दायित्वों को समझाकर उन्हें प्रजा के हित के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये भी सुसंगठित करना या एक अच्छी सुसंगठित सुचारू व्यवस्था देना राज्य का दायित्व माना गया। ठीक है, और वो कैसे होगी? मैंने बताया इन सब के वेतन भत्ते और जिम्मेदारी और दायित्व, प्रमोशन, आगे और चर्चा करेंगे जब प्रशासनिक बढ़ाएगा, प्रमोशन के नियम निर्धारित किए जाएं, वेतन निर्धारित किए जाए, काम के अनुपात में वेतन दिया जाए, समय समय पर वेतन वृद्धि हो, समय समय पर इनकी प्रशंसा हो या इनके कार्य का इनको परिणाम मिले अच्छा, तो ये भी मोटिवेट होते हैं और प्रजा के दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये भी प्रजारंजन के कार्य में आती है मुख्य रूप से। आगे चलें अब तो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने, मैंने कहा आप समझेंगे, समझकर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आप और अच्छा लिख पाएंगे। लेकिन बीच बीच में मनु महाराज का वर्णन करते रहेंगे तो आपका उत्तर ऑथेंटिक होता जाएगा, अन्यथा सभी जगह एक जैसा ही हो जाएगा। पर राष्ट्र संबंधों का निर्वहन, ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि, देखो इसका आधार क्या है, आप हमने पहले भी बात की है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि क्या कोई भी राष्ट्र किसी पड़ोसी राष्ट्र से संबंध नहीं रखे? आज के समय में ही पॉसिबल नहीं है, तो आप सोचिए उस समय भी पॉसिबल नहीं था। संबंध अच्छे हो सकते हैं, थोड़े से बुरे हो सकते हैं, यानी आपके मित्र हो सकते हैं राष्ट्र, आपके शत्रु हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बफर स्टेट कहते हैं, ना मित्र होते हैं ना शत्रु होते हैं। आपका व्यवहार या आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा कि वो कभी शत्रु का व्यवहार करेंगे और कभी मित्र का, या फिर आपकी योग्यता होगी कि आप उन्हें, जो आपके मित्र नहीं हैं, उन्हें मित्र के रूप में प्रयोग कर सके, उपयोग ले सके। अगर आपका थोड़ा सा भी गलत व्यवहार होगा तो वे आपके शत्रु के रूप में भी आपके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना या किसी तरह की आपकी हानि कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करेगा। जो हमारे मित्र हैं वो हमारी गलतियों को भी कई बार एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो हमारे शत्रु हैं कभी वो हमारे साथ अच्छी दुश्मनी भी निभा सकते हैं। लेकिन जो बफर स्टेट है वो किसी भी तरह से कभी भी विश्वास योग्य नहीं होते हैं। तो ये इस तरह के परराष्ट्र संबंध हैं। तो हम बात करें कि किसी भी राष्ट्र के लिए, मैं लिख दूं फिर आपसे, मैं कहता हूं मनु के अनुसार किसी भी राष्ट्र के लिए
अकेला रहना या एकांत रहना संभव नहीं है। ठीक है, मनु ने सप्तांग सिद्धांत में भी मित्र की कल्पना की है या मित्र की व्यवस्था की है। सप्तांग में एक अंक कौन है? मित्र। और वह मित्र जो संकट काल में आपकी सहायता करेगा, संकट काल में क्या होगा? सहायक होगा। और सामान्य परिस्थिति में क्या करेगा मित्र? आपस के सांस्कृतिक आर्थिक व राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। राष्ट्र का मित्र राष्ट्रीय होगा, सीधी सी बात है, राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। तो यहां मित्र मैं बात कर रहा हूं कैसे मित्र की, मित्र राष्ट्र की बात कर रहा हूं। जैसे भारत का मित्र स्थाई मान लीजिए रूस को, भारत का स्थाई मित्र किसको मान सकते हैं हम? रूस को। वह किसी भी परिस्थिति में भारत के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, या इसी तरह का उसका व्यवहार है कि भारत आंखें मीच कर भी रूस पर क्या कर सकता है? भरोसा कर सकता है। कभी किसी दबाव में हो सकता है भारत की सहायता नहीं कर पाया हो, एक दो बार ऐसा हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अधिकतर समय या ज़्यादातर टाइम भारत की मदद की है किसने? रूस ने। ठीक है, तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि मित्र जरूरी नहीं है कि हमेशा संकट के समय काम आए, वह या संकट के समय आप उसको याद करें, वह ऐसी परिस्थितियों में भी काम आ सकता है जैसे मैंने लिखा है, या सामान्य परिस्थितियों में भी आपके साथ व्यापार बढ़ा सकता है। ठीक है, क्या माना है? आवश्यक माना है। तो हम बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत में भी मित्र की व्यवस्था की गई। मित्र का मतलब मित्र राष्ट्र, और ऐसा मित्र जो संकट काल में तो अपनी सेना लेकर आपके साथ आ जाए युद्ध करने के लिए, और सामान्य परिस्थितियों में आपके साथ व्यापार करे, संबंध मजबूत करे, आवागमन हो दोनों राष्ट्रों के मध्य, किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं हो। ठीक है, यानी वह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आपके विश्वास के अनुसार या आपका विश्वास पात्र बना रहे, ऐसा मित्र होना चाहिए। और ये मित्र जो राष्ट्र, यही क्या है? विदेशी नीति हमारी निर्धारित करते हैं। इसमें परराष्ट्र नीति के अंतर्गत दो तरह के सिद्धांत हैं। पहला तो हो गया व्यवहारिक और दूसरा हो गया सैद्धांतिक। ठीक है, दो पक्ष हैं इसके। पहला और दूसरा, तो व्यवहारिक में मैंने आपको बताया था यहां पर है युद्ध, कहीं कहीं उपाय हैं, ये उपाय की बात नहीं करता है। और सैद्धांतिक में है मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और सागुण्य नीति, षड्गुण्य भी कह देते हैं, षड्गुण्य नीति। यानी ये सिद्धांत है कि इनके आधार पर हमें ऐसी ऐसी नीति का पालन करना चाहिए, और यह युद्ध, गुप्तचर
और दूत ये इन नीतियों पर काम करते हैं। जो चीज़ें यहाँ तय की जाएंगी वो यहाँ काम आएंगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, इन नीतियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है या इन नीतियों को लागू करने का प्रयास किया जाता है। किसने दिए ये सब? मनु के द्वारा हैं, ठीक है। मनु ने ऐसे बताया है तो हमें मनु का सम्मान करना चाहिए। हम भी अगर, मैंने सबसे पहले क्या कहा, अगर राष्ट्र के कार्य देखने हैं तो सबसे पहले हमको किसकी तरह सोचना होगा, थिंक लाइक ए किंग, ठीक है। देखिए मैं एक बात लिख रहा हूँ, इसको अपने भेजे में रख लेना आप, वर्क लाइक ए सर्वेंट, ठीक है, बट थिंक लाइक ए किंग, बट थिंक लाइक ए किंग या एक्ट लाइक ए किंग। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, और सोच बड़ी होने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी सोचें तो आप राजा की जगह अपने आप को रखें, नरेंद्र मोदी की जगह अपने आप को रखें, तो आप चर्चा कर पाएंगे कि उन्होंने किस विषय को किस तरीके से लेने का प्रयास किया, किस चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, या राष्ट्र की एकता या स्थिरता के लिए या सुरक्षा के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उनको उन्होंने किस तरह से हैंडल किया। ऐसे हम भी कह रहे हैं कि आप भी अगर राष्ट्र होते तो क्या आप किसी राष्ट्र को आप आके किसी द्वीप पर जाकर अलग से रहते क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं था। आपको जिस भी राष्ट्र के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे या तो शत्रुतापूर्ण होंगे या मित्रतापूर्ण होंगे, और आपका व्यवहार डिसाइड करेगा कि वो आपका शत्रु बन रहा है या मित्र बन रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी होती है, यानी शासक की जिम्मेदारी होती है कि वह किसी भी राष्ट्र को मित्र बना दे या जो शत्रु राष्ट्र हैं उसको अकेला छोड़ दे या अकेला साबित कर दे। तो मनु भी यही कहेंगे, आगे जब मंडल पढ़ेंगे और डिटेल में पर राष्ट्र संबंधों को पढ़ेंगे तब हम ऐसी चर्चा करेंगे। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है सामाजिक व्यवस्था। वो लास्ट में रखने का कारण ही यही था कि वह एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए या सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन करने के लिए चलते हैं। इसको देख लिया आपने, चलिए सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे हम। सामाजिक व्यवस्था में हमने चर्चा की थी कि सामाजिक व्यवस्था ही मुख्यतः इसका काम है, और उस सामाजिक व्यवस्था के द्वारा एक सेंटेंस है वो लिख लेते हैं, छटा हुआ है, छटा है, ये ध्यान रखना छटा। सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन करने वाले हम, देखें आप तो मैंने पहले ही आपको बताया सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो ही मुख्य आधार है मनु के मनुस्मृति का, या जिस भी व्यक्ति ने मनुस्मृति में जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में रखी गई हैं कि सामाजिक व्यवस्था से इसका संबंध किस तरह से है, या ये सामाजिक व्यवस्था को किस तरह से निर्धारित करेगा, परिभाषित करेगा, या उसको और अच्छा बनाने के लिए किस तरह से अपना योगदान देगा। तो उन विचारों को सम्मिलित किया गया है किसमें? मनुस्मृति में। तो आप देखें, पहली बात तो ये कि जो मनुस्मृति में, मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था मूल आधार है मनु की विचारधारा का,
मूल आधार किसका? मनु की विचारधारा का। यानी किसको ध्यान में रखा उन्होंने? समाज को। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मनुष्य प्रति में मूल आधार रखा गया किसको? सामाजिक व्यवस्था को। और ये ग्रंथ भी कैसा है? सामाजिक ग्रंथ। तो ये मूल आधार को हम थोड़ा सा सीधा कर दें क्योंकि ये बहुत टेढ़ा हो जाता है कई बार जाते जाते। ठीक है, तो मनु की विचारधारा या मनु स्मृति का जो आधार है वो क्या है? सामाजिक व्यवस्था। तो मैं बता रहा था आपको कि मनु स्मृति में एक बार फिर किसका वर्णन किया गया है? वर्णाश्रम। दो शब्द एक साथ हैं, वर्ण भी और आश्रम। वर्ण आश्रम व्यवस्था का या वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और तब की सामाजिक, अब मैं बात करना चाहूँ तो ये ही जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये ही वर्तमान में सर्वाधिक विवादास्पद है और इसी के चक्कर में कई बार समाज में फूट उत्पन्न होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है और यहाँ पर मनु ने कहा है कि प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ण के द्वारा, ठीक है, उसके लिए निर्धारित, उसके लिए निर्धारित कार्यों को किया जाना ही स्वधर्म है। यानी प्रत्येक वर्ण के जो कर्म हैं उन कर्मों को जब आप करते हैं तो आप अपने स्वधर्म का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। समझ में आ गई होगी आपकी बात। यानी हर वर्ण उस वर्ण का कार्य है वही उसका क्या है? स्वधर्म। ठीक है, स्वधर्म माना गया। ठीक है, अब तो राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? उन्हें उनके स्वधर्म का पालन करवाया जाएगा या उन्हें इस तरह से प्रेरित किया जाएगा कि प्रत्येक वर्ण अपने कार्य का या अपने कर्मों का क्या करे? पूर्ण करे, कामों को करे, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से उनमें किसी तरह की कोई गैप नहीं आना चाहिए। ये राज्य का दायित्व है। अगर किसी तरह की असंतुष्टि है, विरोध है, विवाद है तो राज्य के द्वारा उन विवादों का या विरोधों का समाधान किया जाना चाहिए। राज्य के द्वारा स्वधर्म यानी वर्णाश्रम धर्म का पालन निश्चित किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है, राजा अपने व्यवहार से निश्चित करे या ये ऐसा व्यवहार करे जिससे कि प्रजा स्वतः ही क्या करे? उन कार्य को करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करे। तो ये उनका धर्म है। और प्रजा का इस प्रकार से कोई भी वर्ण जो है वो दूसरे वर्ण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि प्रत्येक वर्ण अपने अपने कार्य करते हुए सामाजिक रूप से समाज को गति देने का काम करेगा। तो जो वर्ण या जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसके बारे में व्यवस्था की जाएगी राज्य के द्वारा। ठीक है, अब ये लॉजिकल है सारी चीज़ें। आपकी जैसी योग्यता है वैसा आपका काम है, जैसा आपका काम है वैसे आपको और दायित्व दिए जा रहे हैं। जो अपने दायित्वों का, आगे देखें, जो वर्णाश्रम दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं ऐसे नागरिकों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये मनु कह रहे हैं, यानी सिक्योरिटी दे रहे हूं। अब आप समझ सकते हैं कि विरोध कौन करेगा?
यानी लोग अपने कार्यों का पालन करें, सुरक्षा का ध्यान रखें और उस सुरक्षा के आधार पर ही प्रत्येक राज्य में सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार से निर्धारित होगा, अच्छा है या बुरा, ये कौन नियमित करेगा, यानी नियमन करने का कार्य उसको नियंत्रित करना, जो व्यवस्था चल रही है उसको सुचारू रूप से चलने देना, उसमें कोई बाधा या विघ्न आएगा तो राज्य वहाँ पर उस बाधा या विघ्न को क्या करेगा, दूर करेगा। इस तरह की व्यवस्था रखी गई है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मनु की मनुस्मृति में। और आप समझ सकते हैं कि शुंगवंश के आने से हमारी सामाजिक व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़े थे। मैंने प्रारंभ में बताया, शुरू में ही बताया, शुरू के वीडियो जो थे, कि जो ये व्यवस्था थी, सामाजिक जो व्यवस्था थी उस पर सर्वाधिक इफेक्ट पड़ रहे थे नेगेटिव। तो ऐसे समय मनुस्मृति के द्वारा उन नेगेटिव इफेक्ट जो थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया, या समाज में योग्यता को स्थान देने का प्रयास किया गया, या इस तरह की भूमिका बनाई गई कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अगर गलत तो वह हमारे धर्मों के या हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमें अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। क्योंकि तब उस समय शक हूण जो भी थे वो कुषाण विदेशी आक्रांता थे, तो वहाँ पर इस तरह की संस्कृति डेवलप नहीं हो रही थी, या जो संस्कृति थी वो बर्बर थी, असभ्य संस्कृति की श्रेणी में रखा जाता था। उनके संपर्क में आने से भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था क्या हो रही थी, प्रभावित हो रही थी। तो उस सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देने या उस पर जो असामाजिक गुण या तत्व आ रहे थे उनको रोकने के लिए ऐसा कहा जाता है कि मनु स्मृति में ये वर्णाश्रम जो, हालांकि ऋग्वेद में भी इस तरह की व्यवस्था का वर्णन है, उसके आधार पर ही मनु स्मृति में इसको जोड़ा गया है, तो वहाँ से प्राचीन परंपरा रही है हमारे यहाँ, लेकिन तब ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब हो गई थी तो उसके लिए मनुस्मृति की रचना की गई। तो ये सारे कारण थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनके आधार पर हम क्या करने वाले हैं, अपनी सामाजिक व्यवस्था, ये सातों काम थे, सामाजिक व्यवस्था क्या क्या किया हमने, निर्वहन कर दिया। अब एक सेंटेंस है जिसको हम लिख देंगे तो आपको याद रहेगा ढंग से, वो लिख लें आप। सभी वर्णों व आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा की या शासक की सहायता के लिए ब्रह्मा ने तेजोमय यानी अत्यधिक तेजोमय दंड की व्यवस्था की है। यानी ये भी राजा का दायित्व, देखो इस सेंटेंस में अपने आप आ गया है कि वो क्या कह रहे हैं, सभी वर्णों और आश्रमों की क्या करें, रक्षा करें, और जो ऐसी रक्षा करेगा राजा उसकी सहायता कौन करेगा, दंड, यानी उसके दंड में भी प्रभाव आएगा, यानी दंड देने का अधिकार ऐसे राजा को है जो कि सभी वर्णों और वर्गों की क्या कर पा रहा है, रक्षा कर पा रहा है, यानी उनमें बैलेंस बनाने का जो काम है वो कौन करेगा, समाज के सभी वर्णों और आश्रमों में बैलेंसिंग का काम कौन करेगा, या उन्हें सुचारू रूप से काम करने की दायित्व किसको दिया गया है, शासक को, राजा को या राज्य को, दोनों एक हैं इसके अनुसार। तो इसलिए तो ये सेंटेंस है मनु का, यहाँ लिख देता हूँ मनु के अनुसार है, मनु, ठीक है। तो आप ही ध्यान रखें, जब आप इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को ऐड करते हैं तो आपका उत्तर क्या है, पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता जाता है। और आप सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, मैंने आपको प्रारंभ में एक सेंटेंस बताया था जिसमें कि राजा या राज्य की उत्पत्ति का जो मूल कारण था वो बताया गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, हमारे ये जो कार्य थे या कार्य क्षेत्र था जो राजा का, वह पूरा हुआ, और वर्तमान में भी कार्य क्षेत्र है, वर्तमान में भी राजा इसी तरह के, आज मंत्री अलग अलग निर्धारित कर रखे हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, चिकित्सा मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के ऊपर किसको रखा गया है, राष्ट्रपति। तो यहाँ की व्यवस्थाएं अलग है, राजतंत्र में सभी कार्य अच्छे या बुरे वो किसके नाम से किए जाते थे, शासक के नाम से। तो अंततः या सर्वा सबसे जो अंतिम जो दायित्व होता था
या सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व माना जाता था वो किसका माना जाता था? शासक का, मनु का। मनु पढ़ रहे हैं तो मनु का प्रथम शासक थे। और मैंने आपको कल भी बताया था कि मनु मतलब मानव। आज हम मानव कहलाते हैं, तो मानव क्यों कहलाते हैं हम? मानव किसके कारण? मनु के कारण। मनुष्य को या जो ह्यूमन बीइंग है उसका नाम भी किसके कारण पड़ गया? मनु के कारण। थोड़ा थोड़ा सा मैंने अलग बता दिया आपको, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया है, कार्य बता रहा था मैं, और एक काम पूरे हो चुके हैं, और इन कामों के मध्य जो भी राज्य या जो भी प्रशासन इन कार्यों को करता जाएगा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था लंबे समय तक स्थायी तौर पर काम कर पाएगी, ऐसा आकलन किया गया था या ऐसा संभावना व्यक्त की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में, और सामाजिक व्यवस्था जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा प्रश्न आता है कई बार उसके ऊपर, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज है 11 सितंबर, और इतिहास के दृष्टिकोण से अगर 11 सितंबर की बात की जाए, थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपके काम आएगी, क्योंकि हमारे हैं ये व्यक्ति, और जब हम इस व्यक्ति को एक एक करके याद रखेंगे तो हमको वो घटनाएँ याद होती जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको जर्नली ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको याद करते रहेंगे तो याद हो जाएगी। एक सेंटेंस है जिनको याद होगा उनको अच्छा लगेगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ दिया था? यहाँ। पहली बार बोले थे तो ऐसा बोले थे कि बस आज थी वो तारीख, और 1893 में। ठीक है, तो आज के दिन का ये भी ऐतिहासिक महत्व है, तो आप इसको याद करें। विवेकानंद आपके सिलेबस में आ गए, सिलेबस में है, तो ये व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है, राष्ट्रवादी है, वेदांती व्यक्ति है, तो उसके बारे में वहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन तब शायद सितंबर नहीं होगी 11, तो आज 11 सितंबर थी, तो मैंने आपको ये थोड़ी सी जानकारी दी है, इसको याद रखें। हमारा इनका जो संबोधन ही था वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पर, कि भारतीय रियल में सोचते क्या हैं, क्या बोलना चाहते हैं, जन समाज को या विश्व को उन्होंने दिया क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे जब वो आएंगे। लेकिन अभी आप इसको ध्यान रखें थोड़ा सा, और इस सेंटेंस को पकड़ के रखें, और ये स्वधर्म पूछा गया है तो इसको भी आप याद रखा करें, स्वधर्म का क्या मतलब है। ठीक है, और स्वधर्म का मतलब मैंने आपको यहाँ बता दिया है, राजा भी इनका पालन करे और उनके सुनिश्चित करे कि किस तरह से कार्य होगा। और आप चाहेंगे तो आपको पता है हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, याद आ जाती है बहुत सारे, शिक्षा सुरक्षा, शिक्षा सुरक्षा व्यापार और सेवा, ये कार्य थे, ये जो स्वधर्म है इसके साथ ही है। ब्राह्मण का आज जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब ब्राह्मण है, ऐसा मानिए। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये जो काम दिए गए हैं यही इनका स्वधर्म था। आगे चलते हैं, ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक आप इसको पढ़िए, अपने माइंड में सेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये ध्यान रखें आप, जो ये अलग से जानकारी बताइए इसका भी ध्यान रखें आप, देख लें उसको जो मैंने लिखा है, माइंड में रख लें। आप भी अपने धर्म का पालन करें, वर्तमान में आपका धर्म है पढ़ना। आश्रम का पहला आश्रम किसके लिए होता है? टीचिंग के लिए, टीचिंग करवाने वालों के साथ साथ टीचिंग करने वालों का भी। ठीक है,
जो ब्रह्मचर्य आश्रम है पहला, उसमें टीचिंग 25 साल की उम्र तक करनी होती थी और वर्तमान में भी यही सिस्टम था।